मैं रिहान सैफी SPYM की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने कुछ अच्छा और कुछ अट्रैक्टिव आपके सामने लेकर के आए हैं। मान लीजिए कोई बच्चा याद करने में हेजिटेट हो जाता है, याद कर लेता है लिख नहीं पाता है, या लिख लेता है याद नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है वर्बली, तो उन सब चीजों के लिए हमने उसको मैनिपुलेट किया है हिंदी अक्षरों को कि उसमें हमने चित्र का रूप दिया है। हमने हिंदी वर्णमाला को इतना सरल और सुलभ करने की कोशिश करी है जिससे कि सारे जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि समाज के अंदर प्रत्येक वर्ग से बच्चा जब आता है तो बहुत से ऐसे हैं जो याद करने में थोड़ा अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, उनकी स्मृति, उनकी मेमोरी लेवल इस लेवल का नहीं है, तो सबको कैसे हम एक साथ शिक्षित कर सकें, कैसे उनको हम हिंदी वर्णमाला से हिंदी अक्षरों का ज्ञान उनको दे सकें, इसलिए हमने एक मॉड्यूल बनाया है हिंदी वर्णमाला पर। इसमें हमने छोटे आ से अनार से लेकर के और हमने इसकी जो है शर्म अक्षर तक, श्र से श्रमिक तक हमने इसको पूरा किया है। और इसके अंदर बच्चा प्रत्येक अक्षर से विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बनाना जानेगा। मान लीजिए किसी को का खा गा ये नहीं आ रहे हैं, बीच में रुकावट होती है, अक्षरों के अंदर जो उनकी सीक्वेंस है उससे बाहर चला जाता है, तो उन सबको हमने क्रमागत किया है और हमने हिंदी जो हमारे अक्षर हैं उन्हीं के रूप में हमने चित्र बनाया है। इससे अब क्या फायदा होगा कि हम जो बच्चे हैं हमारे वो ड्राइंग करना भी सीख जाएंगे और हिंदी लिखना भी सीख जाएंगे। हमारे SPYM सेंटर्स में जितने बच्चे हैं उसमें अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो एक पिछड़े वर्ग से आते हैं और एक ऐसी सोसाइटी से आते हैं जहां उनका जो बाल अवस्था में जो उनको शिक्षा, उनका पोषण भरण ये सब चीज़ें उसमें कहीं ना कहीं कमी रही, जिसकी वजह से उनकी शिक्षा प्रारंभिक स्तर पर भी नहीं हुई होती, प्राइमरी लेवल पर भी उनकी शिक्षा नहीं हो पाती है और इसी कारण बच्चे सीखने में भी फिर कंजूसी करते हैं क्योंकि उनका प्रारंभिक ज्ञान है नहीं, तो इसी वजह से वो शर्म भी महसूस करते हैं। बड़े हो जाते हैं बच्चे तो क्लास में बैठते हुए उनको लगता है कि मैं तो एक यहाँ का मतलब बड़ा लड़का था और मैं अब छोटे के साथ पढ़ रहा हूँ, तो इट्स लाइक हेजिटेशन और नर्वस। तो उन सबको सीखने के लिए जो उनका पाठ्यक्रम है उसको हम कैसे सरल और सुलभ बना सकें ताकि वो उसके अंदर रुचि ले सकें। और जैसा कि हम जानते हैं एक शिक्षक और एक शिष्य का एक अटूट संबंध होता है और इसके अंदर जो हमारी सामग्री है इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए त्रिकोणीय त्रिभुज शिक्षा होती है जिसमें एक शिक्षक, एक शिक्षार्थी और एक हमारी अध्ययन की सामग्री। तो इसी लिहाज से हमने जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनको सरल बनाया है ताकि हर बच्चा इसमें इंटरेस्ट ले। एक फायदे की बात यह भी है कि हम जब बच्चे को ये चित्र बनाएगा बच्चा तो वो उसकी मेमोरी में रहेगा कि हमने का से कबूतर बनाया, का से कौवा बनाया। इसी प्रकार प्रत्येक अक्षर से जब कुछ ना कुछ वो बनाएगा तो वो उसकी स्मृति में, उसकी याद में रह जाएगा। इससे बच्चे को एक आर्ट थेरेपी भी मिल रही है और वो लिटरेसी की तरफ भी जा रहा है। कुछ भी हम चित्र बनाते हैं किसी भी अक्षर से तो जो हमारा चित्र बनेगा उसका जब हम उच्चारण करेंगे यानी उसको बोलते हैं तो बोलने में जो पहला अक्षर आएगा वो उसी शब्द का होगा। मान लीजिए हमने कौवा बनाते हैं या का से हमने शुरुआत करते हैं, का कबूतर वाला, तो का से हम ऐसी ही चीज बनाएंगे, जो भी चीज बनेगी वो उसका नाम का से ही शुरू होगा, जैसे का से कबूतर, का से कौवा। इसी प्रकार छोटे आ से अगर अनार बना रहे हैं तो अनार की आकृति ही हमारी छोटे आ में बनाएंगे हम। इससे क्या है कि बच्चे के अंदर एक लर्निंग पावर डेवलप होगी, उसकी जो सीखने की क्षमता है, अधिगम की जो उसकी क्षमता है वो उसकी मजबूत होगी, क्योंकि हमारा मनोविज्ञान कहता है कि चित्रों के द्वारा सीखी गई चीज ज्यादा सशक्त होती है सिवाय इसके कि हम किताब पढ़ें। और बहुत सारे एजुकेशनिस्ट
विदेशी यूरोपीय एजुकेशनिस्ट ने भी इस चीज पर रिसर्च की कि हम कैसे बच्चों को अच्छी लर्निंग दे सकें, उनको हम अच्छा टीच कर सकें और वो अच्छा सीख सकें। तो उसमें एक श्रेणी में चित्रों की भी एक पूरी परंपरा है, चित्रों का पूरा एक स्वरूप है, डाटा फिगर इनसे सीखना। तो हमने हिंदी वर्णमाला को चित्रों के रूप में रूपांतरित कर दिया। अब वो का से कबूतर भूलेगा नहीं, का से कबूतर याद रखेगा, वो का से कबूतर भी जानेगा और कबूतर का चित्र भी बना जानेगा। हम आशा करते हैं आपको ये मॉड्यूल्स अच्छे लगेंगे और आप सब भी इसके अंदर इंटरेस्ट लेंगे, इसमें रुचि लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास करेंगे, अपने पेपरों को रंगों से भरेंगे, चित्रों से भरेंगे। यही मेरा संदेश है आप सबके लिए, एक आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर होने के नाते SPYM की तरफ से मेरा यही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट के अंदर प्रैक्टिस हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अपनी स्किल डेवलप करें और अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें।